गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास एंड स्टूडेंट्स. टुडे आई एम कंटिन्यूइंग योर चैप्टर फोर ऑफ सोशल साइंस, दैट इज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स. येस्टरडे आई एक्सप्लेन यू अबाउट द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन इन विच आई लर्न. आई टोल्ड यू अबाउट दैट हाउ the problems faced by the physically challenged children and exactly which type of training they required for the smooth functioning of their day-to-day work. Okay, तो कल मैंने आपको बताया था कि physically challenged जो handicapped बच्चे होते हैं, जो visually impaired हैं या hearing impaired हैं, उन बच्चों को किस तरह की जो trainings हैं वो required होती हैं सो दैट कि वो अपनी डेली लाइफ को स्मूथली जो है वो रन कर सकें. ठीक है, इसमें हमने कल एग्जांपल पढ़ा था, द एग्जांपल ऑफ यंग सलोनी. ठीक है, नाउ टुडे आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक अगेन. इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. येस्टरडे जब बच्चे, मैंने आपको बताया था कि टीचर्स ऑल्सो रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग टू टीच दीज टाइप ऑफ चिल्ड्रन. टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है सो दैट कि वो बच्चों के साथ सिंपेथेटिकली और काइंडनेस के साथ डील कर सकें. ठीक है, नाउ द स्कूल एज वेल एज द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन. स्पेशल चिल्ड्रन की लाइफ में स्कूल और फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द टीचर्स एंड गाइडेंस. क्या ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहें. रिमेन इन कॉन्टैक्ट मतलब हमेशा उन टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहें जो ऐसे बच्चों को डील करते हैं. अपने बच्चे की टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें. इफ़ अ स्पेशल चाइल्ड लाइक्स टू डांस और प्ले, अब वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो उनको क्या होगा कि टीचर्स भी पेरेंट्स को गाइड करते रहेंगे कि इसको कैसे काम करवाना है. ठीक है, और स्पेशल चाइल्ड लाइक्स डांस और प्ले, ही शी शुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी. दिस विल मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट. स्पेशल चाइल्ड्स जो जैसे डांस अच्छा लगता है उनको या खेलना अच्छा लगता है तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो बच्चे अपने आप को दूसरे बच्चों की तरह ही समझ पाएँ और इससे उन बच्चों को खुशी मिलती है और वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि यस वी कैन डू समथिंग, कि हम भी कुछ कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा. उनको ये लगेगा कि हम तो बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते, म्यूज़िक नहीं बजा सकते. जबकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं फिज़िकली चैलेंज जो वो सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. तो वट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट क्रिएट करना है. और वो कॉन्फिडेंट हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, उनके साथ बात करके, उनके साथ खेल के और टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के एक पॉजिटिव रोल के साथ. बच्चे इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी का. आप देखो, अगर आप किसी हैंडीकैप्ड बच्चे के साथ मिलते हो, सपोज़ आपके आसपास में कोई हैंडीकैप्ड बच्चा रहता है और आप उसके साथ खेलते हो तो उसको अच्छा लगेगा. पर अगर आप उसको इग्नोर करते हो, भी ये तो हमारी तरह खेल कूद नहीं सकता, ये ऐसे चल नहीं सकता, ऐसे भाग नहीं सकता, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, वो लो जाएगा. वो अपने आप को अलग अलग फील करेगा बाकी बच्चों से. तो हमें उसे ऐसा फील नहीं करवाना है कि वो अलग है, उसे कैसा फील करवाना है कि वो भी आपके जैसा ही है, ताकि वो अपने अंदर कॉन्फिडेंट ला सके और अपनी लाइफ को स्मूथली लिव कर सके. ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक इज इंक्लूसिव एजुकेशन. नाउ व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है और एग्जैक्टली ये हमें कहाँ हेल्प करती है. ठीक है, तो मैं बता दूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो एजुकेशन जो हम बच्चों, ये वो एजुकेशन है जो हम फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रंस के एडवाइस करने के लिए जो एजुकेशन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन. उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस रीड इट. एक्सपर्ट डीलिंग विद फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन एडवाइज दैट दीज चिल्ड्रन मस्ट बी
इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन। देखो वो क्या कह रहा है कि एक्सपर्ट्स जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस को साथ डील करते हैं वो क्या एडवाइस कर रहे हैं कि हमें इन फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को किन बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, आपके जैसे, उनके साथ पढ़ाने से क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि आप अगर उनके साथ खेलोगे कूदोगे उनके साथ पढ़ोगे तो क्या होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज होगा और वो अपने आप को बाकी धारा के साथ मिला पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। दे शुड बी सेंट टू अ नॉर्मल स्कूल, उन्हें भी एक नॉर्मल स्कूल में भेजना चाहिए। व्हेन दे इंटरेक्टेड विद अदर चिल्ड्रन, जहाँ वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो सकें, इंटरेक्ट मतलब मिल सकें, दे डेवलप कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो, कुछ समझ आए, इट ऑटोमेटिकली इन्हांसेस देयर लर्निंग एबिलिटीज़, और इससे ऑटोमेटिकली उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, जो सीखने की क्षमता है, वो इंक्रीज हो जाएगी। दे ओवरकम हर्डल्स, वो अपने हर्डल्स मतलब मुश्किलें ओवरकम दूर करना, कि वो उन हर्डल्स को दूर कर पाएंगे, उन मुश्किलों को दूर करने पाएंगे जो उनकी लाइफ में आती हैं बिकॉज ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड होने की वजह से, जो भी लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, दे कैन एबल टू रिमूव दैट थिंग्स लाइक शाइनेस। जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे उनके साथ बातचीत करेंगे तो उनके अंदर जो शर्मीलापन है, जो शाइनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। हेजिटेशन, जो वो घबराते हैं दूसरों से बात करने में, वो ख़त्म हो जाएगी। व्हेन दे ज्वाइन नॉर्मल स्कूल, जब वो नॉर्मल स्कूल को ज्वाइन करेंगे, चिल्ड्रन विद फिजिकली चैलेंजेस हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद अदर्स बिकॉज ऑफ देयर फिजिकली लिमिटेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली हेल्प देम टू फॉर्म रिलेशन विद अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ मेम्बर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि चिल्ड्रन विद फिजिक, जब जो हर्डल्स उनके लाइफ में आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी जब वो नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ेंगे। ऐसा उन्हीं बच्चों को हम कर सकते हैं जो जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, हम उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं, ठीक है, फिजिकली चैलेंज हैं वो, बट वो फिर भी नॉर्मल स्कूल्स में जाकर पढ़ाया उनको जा सकता है, ठीक है। हैव डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशन विद अदर बिकॉज ऑफ देयर फिजिकली लिमिटेशंस, उनको जो डिफ़िकल्टीज आती हैं दूसरों के साथ अपने फ्रेंडशिप करने में, वो सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। और वो अपने रिलेशन स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और दूसरे स्टाफ मेंबर्स के साथ इजीली क्रिएट कर पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट है किसके लिए, अदर स्टूडेंट्स के लिए भी। वो क्या कह रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ आल्सो बेनिफिटेड फॉर अदर स्टूडेंट्स, ये दूसरों बच्चों के लिए भी बेनिफिटेड है। They not only developing understanding of needs of special children, but also develop a caring, sympathetic attitude towards them. इससे क्या होता है, देखो जब आपके फ्रेंड्स में एक बच्चा ऐसा होगा जो फिजिकली चैलेंज होगा तो क्या होगा, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी नीड्स को समझोगे कि उसको क्या चाहिए, उसको लिखने के लिए किस हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए किस हेल्प की ज़रूरत है, जब उसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, ग्राउंड में जाना है, स्टेयर्स उतरनी है, तो किस हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सब मिलकर उसकी वो हेल्प करने की कोशिश करोगे। और जब आप उनकी उस हेल्प करने की कोशिश करोगे तो ये आप में एक केयरिंग एटीट्यूड डेवलप करेगा, एक ऐसा एटीट्यूड जो कि आपकी हेल्प करेगा फर्दर लाइफ में दूसरों को हेल्प करना सिखाएगा,
सिंपैथेटिक एटीट्यूड्स, दया की भावना के साथ साथ आप उनकी केयरिंग केयर करना सीखोगे। आपको भी पता चलेगा कि हाँ मुझे केयर कैसे करनी है। एंड दिस ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द सोशल, इन द सोसाइटी, और ये एक सोसाइटी में ग्रेट चेंज लेकर आएगा। एवरीवन रियलाइज द प्रॉब्लम्स दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस, हर किसी को प्रॉब्लम्स रियलाइज होती हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन फेस करते हैं। वी मस्ट वर्क टूवर्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर, हमें इसी तरह उनकी लाइफ को हैप्पी बनाने की कोशिश करनी है। और फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पर विद द नॉर्मल चिल्ड्रन, सो दैट कि जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, वो भी वैसे ही फंक्शन कर सकें, वैसे ही काम कर सकें जैसे कि नॉर्मल बच्चे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि फिजिकली चैलेंज हैं। इससे उनके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंट क्रिएट होगा और नॉर्मल बच्चों के अंदर भी एक केयरिंग एटीट्यूड जो है वो क्रिएट होगा। इसके लिए उनको चाहिए क्या, दे जस्ट नीड, देखो उनको क्या चाहिए ये पढ़ेंगे कि व्हाट दे रिक्वायर्ड, अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ लोग हैं वो उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब समझते हो कि हमें उनको ये रियलाइज नहीं करना कि आप फिजिकली चैलेंज हो, आप हैंडीकैप्ड हो तो आप ये नहीं कर सकते, नहीं, हमें उन बच्चों में ये रियलाइज़ करवाना है कि आप में एक कमी है पर आप दूसरी चीज़ में बहुत अच्छे हो। ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। दूसरा, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ देयर स्पेशल नीड्स, एक सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है ताकि उनकी नीड्स को हम पूरा कर सकें। जैसे कि अगर हैंडीकैप्ड हैं तो वो स्टेयर्स नहीं चल सकते, तो स्कूल में क्या होना चाहिए, वो रैंप होना चाहिए जिससे वो इजीली ऊपर जा सकें, नीचे आ सकें। ठीक है, थेरेपिस्ट टू हेल्प एंड गाइड देम, थेरेपिस्ट होने चाहिए स्कूल में जो उनकी हेल्प कर सकें, उनको गाइड कर सकें। अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, बहुत सारा प्यार और केयर उनको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डू यू नो में लिखा है डिसेबल डजंट मीन अनेबल। डिसेबल का मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम ही नहीं कर सकता, वो डिसेबल है बट वो एबल्ड है, वो कुछ काम कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता बट वो कुछ काम कर सकता है। हेयर डू यू नो, डू यू नो में एक स्टोरी है हमारे पास हेलन केलर की। हेलन केलर जो है ये एक डीफ और ब्लाइंड पर्सन थी। ठीक है, और बहुत अच्छी राइटर थी। ठीक है, हेलन केलर इज़ अ सिंबल ऑफ करेज फॉर ऑल ऑफ अस, शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू गेट ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। देखो वो डीफ यानी जिसको सुनाई नहीं देता और ब्लाइंड जिसको दिखाई नहीं देता, एक ऐसी लड़की थी और फिर भी उसने बीए ग्रेजुएशन तक वो पढ़ी। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया उसने। शी रोट ओवर 12 बुक्स, 12 से ज़्यादा बुक्स लिखी एंड मैनी आर्टिकल्स। हर फेमस बुक्स वर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड द वर्ल्ड आई लिव इन, लाइट इन माई डार्कनेस एक्सेट्रा, ये उसकी फेमस बुक्स के नाम है। शी वर्क हार्ड टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल लाइक हर बेटर, उसने बहुत अच्छा काम किया ऐसे ही लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो उसके जैसे थे। दिस वर्ल्ड फेमस ऑथर ऑल्सो बिकम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लेक्चरर एंड ह्यूमैनिटेरियन, और ये एक अच्छी पॉलिटिकल भी थी, एक्टिविटीज़ थी, एक्टिविटीज़ जो वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, लेक्चरर थी, ह्यूमैनिटेरियन थी, एक बहुत अच्छी इंसान थी। ठीक है, तो दिस इज़ दैट हाउ वी हैव टू बी कॉपरेट विद द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन।
ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट टॉपिक इज सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, इसको हम कल डिस्कस करेंगे. ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू.